अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। जी हाँ, जैसा कि आपको जो मैंगोज़ नज़र आ रहे हैं, आज मैं आपको मैंगो मूज़ बनाने का तरीका बताऊंगी, जिसके लिए आपको येलो कलर के मैंगो चाहिए होंगे, खुशबूदार, और जो मीठे मैंगो होते हैं वो मैंगो मूज़ के लिए जो सब्ज़ आम होते हैं वो नहीं चाहिए होंगे। इसी किस्म के हमें मैंगो चाहिए होंगे। इन सबको मैंने छील के ब्लेंडर में डाल दिया है। अब साथ ही इसमें मैं चीनी ऐड करूँगी। अच्छा, चीनी आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आपने इसमें ऐड करनी है। अगर आप मीठा ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो आप इसमें ज़्यादा डालेंगे, अगर आप कम इस्तेमाल करते हैं तो इसमें आपने कम चीनी ऐड करनी है। अब हम इसको ब्लेंड कर लेंगे। अच्छे तरीके से हमने इसको ग्राइंड करना है। इसमें हमने पानी बिल्कुल ऐड नहीं करना, इसको ऐसे ही हमने ग्राइंड करना है। ये तकरीबन थोड़ा सा आपको मुश्किल होगी, लेकिन ये फ़ौरन से ही ग्राइंड हो जाएंगे। ये देखें, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, पानी बिल्कुल भी नहीं ऐड करना इसमें। बिल्कुल हमने सिर्फ जो हैं खाली मैंगोस, इनको हमने ब्लेंड करना है। तकरीबन इसको 4 से 5 मिनट हमने ग्राइंड कर लेना है। और साथ ही ये मैंगो एसेंस है, इसमें इसके 2 ड्रॉप्स आपने ऐड कर लेने हैं। अगर ये आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो ये ऑप्शनल है, आप इसके बगैर भी बना सकते हैं। सिर्फ दो ड्रॉप्स हमने इसमें ऐड करने हैं और इसको अच्छे से हमने बीट करना है। मज़ीद हम इसको कुछ सेकंड के लिए बीट कर लेंगे। ये देखें, जैसा कि आपको ये क्रीम नज़र आ रही है, आप किसी भी कंपनी की कोई भी आप क्रीम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन क्रीम बहुत ही ठंडी होनी चाहिए। इसको फ्रीज़र में रख लेना है आपने। ये देखें, जैसा कि आपको ये नज़र आ रही है, ये बहुत ही ठंडी क्रीम है। इसको हम एक बर्तन में डाल लेंगे, बाउल में, जिसमें हमने इसको बीटर की मदद से बीट कर लेना है। अच्छे से हमने इसको बीट करना है। साथ ही इसमें 1 चम्मच चीनी भी ऐड कर लेनी है, क्योंकि मैंगो मीठा होता है और हमने पहले भी मैंगो ग्राइंड करते हुए भी उसमें हमने चीनी का इस्तेमाल किया है, इसलिए इसमें हमने 1 चम्मच चीनी ऐड करनी है, ज़्यादा नहीं। फिर इसको हमने अच्छे से बीट कर लेना है, ताकि क्रीम जो है वो डबल फॉर्म में हो जाए। ये देखें, जैसा कि ये अच्छे से बीट हो चुकी है। अब आगे हमने क्या करना है, आधी क्रीम हमने जो मैंगो ग्राइंड किया था उसमें डालनी है और आधी हमने साइड पे रख देनी है फ्रिज में 30 मिनट के लिए, मज़ीद उसको ठंडा होने के लिए। मैंगो और क्रीम को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसको मिक्स करने के बाद हमने जो क्रीम थोड़ी छोड़ी है वो और ये मैंगो हमने 30 मिनट के लिए मज़ीद फ्रिज में रखना है, ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। ये जितना ठंडा होगा इतना ही खाने में यमी होगा।
30 से 35 मिनट के लिए तकरीबन आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं। ये मैंने फ्रिज से निकाल लिया है तकरीबन 30 मिनट के बाद, और साथ ही ये मैंगो चंक्स भी आपने काट के रेडी कर लेने हैं। अगर आप चाहें तो कुछ चंक्स आप ये मैंगो में भी ऐड करके पहले आप इसको थोड़ा मिक्स कर लें, लेकिन मैं यहाँ मैंगो में ऐड नहीं करूँगी। मैं जब इसको सर्व करूँगी तो इसी में ही मैं मैंगो चंक्स ऐड करूँगी। बहुत ही मज़ेदार और यमी ये मैंगो मूज़ है, आपने ज़रूर ट्राई करना है और फिर कमेंट्स में भी ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरा बताया हुआ तरीका मैंगो मूज़ का कैसा लगा। इसी तरह हमने लेयर्स में पहले मैंगो मूज़ डालना है, फिर हमने जो साइड पे क्रीम रखी थी वो डालनी है, फिर उसके ऊपर हमने ऐसे ही मैंगो चंक्स डालने हैं और फिर हमने मैंगो डालना है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ दिए गए बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें। ज़बरदस्त मैंगो मूज़ तैयार है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा, ये जो इसमें मैंने अभी चॉकलेट ऐड करनी है ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, चाहें तो स्किप कर सकते हैं। मैं इसलिए ऐड कर रही हूँ, मेरे बेटे को चॉकलेट बहुत पसंद है, इसलिए उसको हर चीज़ में चॉकलेट चाहिए होती है, इसलिए मैं ये चॉकलेट ऐड कर रही हूँ।